सोलन अस्पताल के समीप बनी नगर परिषद पार्किंग में हुआ निर्माण कार्य पिछले काफी समय से विवादों में है। पार्षद की शिकायत पर इस निर्माण कार्य की विजिलेंस जांच भी चल रही है। विजिलेंस की टीम कई बार मौके का दौरा कर चुकी है। आज भी विजिलेंस की टीम ने मौके का दौरा किया और खुदाई कर वहां से महत्वपूर्ण जानकारियां भी हासिल की। इस मौके पर नगर परिषद के कर्मचारियों समेत विजिलेंस के अधिकारी भी मौजूद रहे। विजिलेंस की टीम ने शिकायतकर्ता नगर परिषद पार्षद शैलेंद्र गुप्ता के समक्ष सभी साक्ष्य एकत्रित किए। आपको बता दें कि शैलेंद्र गुप्ता ने ये शिकायत इसलिए की थी क्योंकि उनके अनुसार इस निर्माण कार्य में जो नियम और शर्तें ठेकेदार के साथ तय की गई थी वे उसने पूरी नहीं की, जिसकी शिकायत नगर परिषद को पहले की गई, लेकिन जब वहां उनकी शिकायत को अनदेखा किया गया तो उनके द्वारा विजिलेंस को शिकायत की गई, जिस पर ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शैलेंद्र गुप्ता पार्षद ने बताया कि पहले तो ठेकेदार ने नियमानुसार पार्किंग में निर्माण कार्य नहीं किया, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार नगर परिषद की बैठक में की। जब उनकी शिकायत को दरकिनार करते हुए नगर परिषद अधिकारियों ने ठेकेदार को चुपचाप कार्य का भुगतान कर दिया तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इसकी शिकायत विजिलेंस को कर दी, जिस पर विजिलेंस ने निर्माण कार्य का जायजा लिया और खुदाई कर नमूने भी एकत्र किए। उन्होंने कहा कि इन नमूनों के तथ्यों के आधार पर ही अब विजिलेंस जल्द ही आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएगी। ये नरसिंह मंदिर के पास ये पार्किंग है, जिसके लिए पब्लिक ने ये डिमांड की थी कि भी यहाँ काम ठीक नहीं हुआ, तो उसके लिए मैंने पहले हाउस में दो बार बोला। तीसरी बार मैंने हाउस में जब ये बताया कि आप मैंने उनको लिखित रूप से पत्र दिया, जब तक ये काम ठीक नहीं होता तब तक आप इसकी पेमेंट ना कीजिएगा, इसमें जो त्रुटियां उसको ठीक करवाइए। उसके पश्चात कोरोना काल में जब इन्होंने उसकी पेमेंट कर दी तो मैंने हाउस में बताया कि आपने पेमेंट कर दी है कोई बात नहीं, लेकिन आप इस काम को ठीक करवाओ, यदि आप ठीक नहीं करवाएंगे तो फिर उसके बाद मुझे विजिलेंस में जाना पड़ेगा। 15 दिन के पश्चात मैंने इनको एक बार फिर रिमाइंडर दिया कि वो काम ठीक नहीं किया और आपने ठेकेदार को पेमेंट कर दी है, उसके पश्चात मैंने ये विजिलेंस में कंप्लेंट दी थी। आज विजिलेंस ने इस बात के लिए चेकिंग करने आया कि ये मटेरियल कैसा है। अभी ये काम शुरू हुआ है, इसको देखते हैं, अभी ये शुरुआती दौर पे है तो इसको देखते हैं कि भी इन्होंने ये काम कैसा किया, उसके सैंपल लिए जाए। वहीं ठेकेदार बीरेंद्र ठाकुर ने कहा कि उनके द्वारा सभी नियमों की पालना की गई, उनके कार्य में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है, बल्कि उन्हें बेवजह तंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टेंडर में जो भी शर्तें निर्माण कार्य के लिए रखी गई थी उनके द्वारा उन्हें पूरा किया गया है। आज विजिलेंस द्वारा मौके पर खुदाई की गई, उसमें भी सभी तथ्य सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्य का केवल आधा भुगतान किया गया है, जबकि उनका कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि पार्षद द्वारा जानबूझकर फंसाने और बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं वीरेंद्र ठाकुर, मैंने शुल्ली माता पार्किंग का ये काम 6-8 महीने पहले किया था, जिसकी की इंक्वायरी बिठाई गई है माननीय नॉमिनेटेड पार्षद द्वारा। ये बार बार मेरे को हराश किया जा रहा है, इसके लिए जो आप देख ही रहे हैं कि अभी 4 इंच इसमें रोड़ी निकल चुकी है सीसी, और उसके नीचे 6 इंच गटका निकल चुका है, कहीं 5-5, 6-6 इंच भी रोड़ी निकली है, उसके बावजूद भी मेरे को परेशान किया जा रहा है और पूरी पेमेंट नहीं हुई है, सिर्फ आधी पेमेंट मेरे को की गई है। अब मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि ये जो कार्य ठीक मिल रहा है और जो मैंने बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री ढंग से किया था, क्योंकि ये शुल्ली माता का कार्य था, हमारा कोई भी कार्य गलत नहीं होता है वैसे तो, पर ये सामने नज़र आ रहा है कि इसमें गटका भी पूरा मिल गया है और रोड़ी भी पूरी मिल गई है, और इन लोगों द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही, गड्ढे बनाए जा रहे हैं, इसको भरा जाए और मेरी जो बैलेंस पेमेंट है वो मेरे को कर दी जाए, मेरी इतनी ही निवेदन है इनसे, और मेरे को जो हराश किया जा रहा है उससे मेरे को मुक्ति दी जाए। पहले से ही ये मेरे को तंग कर रहे हैं, जबकि जिस दिन मैंने पार्किंग डाली थी उससे नेक्स्ट डे ही इसमें गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई थी, पर फिर भी ये पार्किंग टिकी हुई है, जो कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि इसमें माल नहीं डाला गया, वो सामने निकल चुका है, 2-3 जगह गड्ढे कराए जा चुके हैं और सामने आ चुका है, सीसी भी मिल गई है, गटका भी मिल गया।